हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जयपुर ट्रैवल सीरीज़ का पार्ट 3। तो अभी हम अल्बर्ट म्यूज़ियम देख के निकल गए हैं और अभी हम आ गए हैं हवा महल पे। और यहाँ पर जो है आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेके आपको यहाँ से एंट्री करना होता है। तो हमने टिकट ले लिया था, अभी हम जो है हवा महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं हवा महल के अंदर। ये है एंट्री, यहाँ से आपको एंट्री करना है। और आते ही देखिए कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है सभी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। और यहाँ से होकर ऊपर जाना होता है, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और ये जो गली है थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था जाने में, क्योंकि सभी उतर रहे थे। और ये देखिए, यहाँ पर पपेट डांस हो रहा था। ये राजस्थान का स्पेशल पपेट डांस है। और ये जो पपेट डांस है, ये अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर भी हो रहा था। और पपेट डांस में मैं एक अलग वीडियो भी मैंने डाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और अभी हम जो है हवा महल के ऊपर की तरफ आ गए हैं। हवा महल अंदर से बहुत बड़ा है, आपको घूमने में 1 घंटा लग जाएगा, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। और हवा महल बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही यहाँ पर जो है आपको आने से यहाँ का जो व्यू है आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। छोटा छोटा जो है यहाँ पर खिड़कियाँ बना हुआ है, यहाँ से ही जो है आप देख सकते हैं रोड। देखिए यहाँ पर से पूरा जो है रोड दिखता है। इस छोटे जो है खिड़कियाँ, यहाँ पर बहुत सारे खिड़कियाँ बना हुआ है हवा महल में। और इन खिड़कियों से ही जो है जो रानियाँ थे और घर के जो औरतें थे, तो वो सब जो है बाहर की तरफ देखते थे। अगर कुछ होता था तो वो खिड़कियों से बाहर की तरफ देखते थे, क्योंकि उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो इन खिड़कियों से होकर वो सब बाहर का नज़ारा देखते थे। और ये देखिए, ये रियली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो काम है, यहाँ का जो मतलब इतना खूबसूरत व्यू। गर्मी बहुत था फिर भी देखने में बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, ये हवा महल का एक मॉडल बना हुआ है यहाँ पर, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये मॉडल। और ये है हवा महल का सामने वाला हिस्सा। और हवा महल के बाहर ही आपको मार्केट मिल जाएगा, आप यहाँ से जो है शॉपिंग कर सकते हैं। अभी हम चले आए हैं जल महल देखने। जल महल तो रास्ते के ऊपर से ही देखना होता है, अगर आप चाहे तो गाड़ी से ही देख सकते हैं, या आपका मन हो तो आप सामने से गाड़ी से उतर के आराम से देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, उतर के देखते हैं। धूप तो तब बहुत था, लेकिन फिर भी सामने से देखना था। अभी जल महल में अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आपको बाहर से ही जो है दूर से ही देखना पड़ रहा है। ये देखिए जल महल, कितना खूबसूरत लग रहा है ना व्यू, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जल महल। अभी हम आ गए हैं गटोर की छत्रियान में। और यहाँ पर जो है जो राजा महाराजा थे, यहाँ पर उनका क्रीमेशन हुआ था, लेकिन उनका जो अस्थि विसर्जन है वो हरिद्वार में ही हुआ था। तो उनके याद में यहाँ पर जो है छत्रिया बनाया हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पर आके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत जगह है ये, मतलब मैं सिर्फ बता के बयान नहीं कर सकती, इतना मतलब मुझे अच्छा लगा। अगर आप भी कभी जयपुर आए तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर भी आपको टिकट लेकर एंट्री करना पड़ता है, एंट्री फ़ी है 30 रुपये पर पर्सन। Thank you.
अभी हम सीढ़ियों से ऊपर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। जो है शाम के 4 बजे हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर तभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं था और अच्छा टाइम था, तब कुछ ही लोग जो है थे तो अच्छा लग रहा था घूमने में। हमने यहाँ पर 1 घंटा जो है बिताया, उसके बाद हम जो है होटल वापस चले गए। मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है। ऐसे ही गया हमारे जयपुर ट्रिप का फर्स्ट डे और अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जल्दी, पार्ट 4। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।